हजरात मजरात मर्द औरतें बूढ़े बच्चे जवान कच्छे बनियान सारों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज मैं हाजिर हुआ हूँ चिंगू मिंगू आपकी खिदमत में एक और व्लॉग लेकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज का ये व्लॉग कैसे होने वाला है? इसमें हम आज जाने वाले हैं अब भोले शाह की नगरी कसूर। Oh my God! Wow! और वहाँ का फालूदा आर। और वहाँ की मछली आर। बाबा भोले शाह के दरबार ये फंस गया का तो कुछ भी नहीं। वो ट्राई करते हैं बाबा भोले शाह का दरबार देखने के लिए। यार मैं मुंह पे टाकी शाकी मार के निकले और बड़ा प्यारा लग रहा था। I'm joking! बचना ए हसीनो लो मैं अरे भैया कसम से आज मुझे तो हार्ट अटैक आने ही वाला था बट खैर बच गया मोबाइल और हम निकल पड़े व्लॉग बनाने के लिए। चलें जी तो लेकर चलते हैं आपको आज के व्लॉग की। आइए तो मिलिए इस गुड़िया से। मुझे ऐसे लगा जैसे ही कैमरे को देख के हाय करी लेकिन असल में वो कह रही थी कि कैमरा बंद कर दे। मुझे लगता है आज कोई थाई इंटरनेशनल डे ऑफ बेइज्जती फॉर मी। ये देखें खैर भाई मैंने जहाज को टाकी शाकी मारी इसका सफाया सुथराया किया उसके बाद भाई मुझे पता लगा कि इसके अंदर तो पेट्रोल ही नहीं। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं है भाई इसको दूसरे हेलीकॉप्टर के साथ टोचन लगाया और इसको घसीट कर लेकर पहुंच गए भाई हम पेट्रोल पंप के ऊपर। ये बाइकर हजरात ये सिचुएशन अच्छी तरीके से जानते हैं। लो जी देवी और सज्जनो इसके साथ ही हमारा आज का कसूर की तरफ का सफर शुरू हुआ। चलो भाई भाई लोग अपने अपने पास खाने पीने का कुछ रख लो कुछ नहीं बहुत कुछ रख लो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुंह में पानी और आपके पेट में पूरा चिड़िया घर दौड़ने वाला है। मैं नहीं मानता। जी हाँ जी फिर ना कहना कि मैंने पहले बताया नहीं। चलो भाई तो जी हाजरीन सामईन हम पहुंच आए हैं कसूर के अलमारूफ और मशहूर अयूब फालूदा शॉप के ऊपर। इनका फालूदा पूरे कसूर में मशहूर। आइए इनकी मेकिंग दिखाते हैं। सबसे पहले आपका डाला जाता है शीरा उसके बाद सफेद सवैया उसके बाद बर्फ और उसको बर्फ को कवर किया जाता है इनके अलमशहूर मारूफ खोए के साथ। इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। भाई मेरी इस हरकत की वजह से जो मेरे दोस्तों ने मुझे लानते फेरी क्यों वो भी आप जान जाएंगे। शीरा मैंने यस समझ गए ना। मैंने शुरू में बताया था आज मेरा इंटरनेशनल बेइज्जती डे है। ये 10 मिनट तक बैठ के मेरे ऊपर हंसते रहे। यार फालूदा बहुत ही जबरदस्त था। चलो भाई यहाँ से फ्री होने के बाद हम निकल पड़े भोले शाह की नगरी की तरफ। चलिए आपको वहां के कुछ लम्हात दिखाते हैं।
मछली खाने। जी नाज़रीन सामईन, भोले शाह साहब की दरबार के बाद अब हम निकले हैं जावेद की मछली खाने के लिए। भाई ये बात मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि अगर आपने जावेद की मछली खानी है या आपने अयूब का फलूदा खाना है तो आपने अपने साथ बाइक लेके आनी है या फिर आपने पैदल आना है। अगर आप गाड़ी पे आ रहे हो तो भाई आप जलील हो जाओगे। क्यों, ये देख लो, बहुत ही मुश्किल रास्तों पर सफर करने के बाद और गलियां छानने के बाद आखिरकार हमें जावेद की मछली वाली दुकान मिल ही गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई साहब, ये आया ना मजा, ये हुई ना बात। जब मैंने एक फिश को तीन तवों के ऊपर बारी बारी फ्राई होते देखा ना और उसका कलर देखा तो मेरी भूख भाई आसमान को छू गई और मैं जल्दी से ऑर्डर देकर बस अपने दोस्तों के पास आके बैठ गया कि कब वो आए और कब मैं उसके ऊपर टूट पड़ूं। और सबका यही हाल था। रुको जरा, सबर करो। ये क्या है? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूं। लेकिन यार यहां में पिघल गया भाई। हमारी तरफ से मछली को 10 out of 10, बहुत ही आला। उसके बाद ये हजरात हम निकल पड़े वापसी लाहौर की तरफ। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। अगर आज के टूर के बारे में दो लफ्जों में बताऊं तो इतनी खुशी मुझे आज तो। भाई साहब ये एक बहुत ही अच्छा RRR, बहुत ही सस्ता RRR और बहुत ही मजे का RRR। मेरे को जानता नहीं है ये। और ये कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक का बटन दबा दें और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और भाई मुझे नहीं पता, मुझे इस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन लाइक और 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए बस। बहुत तेज हो रहे हो। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये व्लॉग खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।